एग्जाम विद्यालय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद। जय हिंद मेरे साथियों, मैं आकाश शेखावत आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में। चलिए, आज का टॉपिक आप सभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि जो मैं आपके लिए क्वेश्चन बता रहा हूँ वो RRB ग्रुप टी NTPC में पूछे गए सवाल हैं। क्लियर? तो मैं आपके साथ हाजिर हो गया हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लेके। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो लास्ट तक देखें और बताना मुझे कि आप कमेंट बॉक्स में कि आपके जो क्वेश्चन दिए गए हैं आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं और क्या क्या आपने सीखा, या आपको कितने क्वेश्चन आए, या आपको कौन सा क्वेश्चन आपको बेटर लगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, यदि एक दुकानदार फल खरीदते समय और बेचते समय कि तौलवरी गड़बड़ी करके 15% तक की धोखेबाजी करता है, यानी कि तौलते हुए भी 15% का प्रॉफिट ले रहा है और बेचते समय भी उसे 15% का प्रॉफिट ले रहा है, तो बताइए उसका टोटल प्रॉफिट क्या हो गया। देखिए, मैंने क्या बताया था, अगर आपको क्या नाम है, लाभ हो रहा है, ओके, लाभ हो रहा है तो हमेशा वैल्यू प्लस में आएगी, अगर लॉस हो रहा है तो हमेशा माइनस में आएगी। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है इसका एक्स प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपॉन 100। वैल्यू क्या हो रहा है इसमें, 15% का प्रॉफिट हो रहा है जब खरीद रहा है, तब भी 15% का लाभ देके खरीद रहा है और 15% का बेच रहा है फिर भी लाभ ले रहा है। ठीक है, तो 15 प्लस 15 प्लस 15 इंटू 15 अपॉन 100, 15 और 15 क्या होगा, 30 प्लस ये कितना हो गया आपका, कट के 2.25, तो टोटल कितना हो गया, 30 प्लस 2.25 इजकल टू 32.25। ओके, समझ में आया? यानी कि क्या कर रहा है, फल खरीद रहा है तो भी उसको 15% का लाभ मिल रहा है और बेच रहा है तब भी परसेंट का लाभ मिल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए एक, ये तो आपका फॉर्मूला बेस है, अगर आप मान लो फॉर्मूला नहीं याद रहता आपको एग्जाम टाइम में तो क्या कीजिएगा, जब भी ऐसा कोई एक क्वांटिटी हो, क्लियर है, कोई एक क्वांटिटी हो और उसी क्वांटिटी पे आपको प्रॉफिट हो रहा है और लाभ हो रहा है, ठीक है, तो क्या करना है आपको, पहले तो 15 का 2 बार गुणा कर दीजिए, प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो गया, 30। क्लियर? अच्छा, फिर उसी इसका स्क्वायर कर दीजिए तो कितना आएगा, 225। ठीक है, और 2 अंक के बाद 0 पॉइंट लगा दीजिएगा तो 2.25, और दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा, 32.25। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए, रेवती साधारण ब्याज की दर से 6% की दर से 600 रुपये उधार लेती है, 4 वर्ष के बाद ऋण चुकता करने के लिए उसे कितना रुपये का भुगतान करना होगा। वो क्या कर रहा है, यानी कि रेवती कोई लड़की है, वो 600 रुपये उधार ले रही है 6% की ब्याज की दर से, गई होगी किसी के पास, उसने कहा था कि मुझे 600 रुपये दे दो, जब देने वाले ने ये कहा था कि मैं तुम्हें 6% की ब्याज से दूंगा, अब बता तुम कितने दिन बाद पैसा लौटाओगी, उसने कहा मैं 4 साल के लिए आपको 6% की ब्याज की दर से मैं आपको लौटा दूंगी, तो उसने कहा ठीक है, इतने रुपये की ब्याज, अब ब्याज कितनी होगी उसकी, देखिए ब्याज होगी सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या हो गया, 6% की ब्याज की दर से 4 वर्ष के लिए लिया था, कितने रुपये लिए थे, 600 रुपये, क्लियर, अपॉन 100, क्लियर, 2 जीरो से 2 जीरो कट के, और 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू होगा 144, 144 रुपये की तो उसको ब्याज देनी पड़ेगी, क्लियर है, 144 रुपये की उसको ब्याज देनी पड़ेगी, जो कि उसको एक्स्ट्रा रुपये देने पड़ेंगे, और कितने देने पड़ेंगे, जो उसने 600 रुपये ब्याज लिया था, क्लियर है, तो कितना हो गया, 744 रुपये उसे टोटल देने पड़ेंगे, और यही क्या है आपका राइट आंसर, क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, देखिए एक पानी की टैंक में 2 छेद हैं, ठीक है, ये कोई पानी की टैंक है, इसमें एक ये छेद है और एक ये छेद है, ठीक है, ये इसमें पानी भरा हुआ है, अब क्या कह रहा है कि पहला छेद टैंक को 8 मिनट में खाली कर देता है और दूसरा टैंक 12 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है, ये कोई 2 छेद थे टैंकी में, ये क्या कर रहा है, 8 मिनट में खाली कर रहा है और दूसरा क्या कर रहा है, 12 मिनट में खाली कर देता है, अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, और दोनों को एक साथ खोल दिया है तो बताइए टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी। देखिए, मैंने क्या बताया आपको, पहला क्या कर रहा है, पहली टंकी कितनी देर में खाली कर रहा है, पहली टंकी खाली कर रहा है आपको 8 मिनट में, ठीक है, पहली टंकी 8 मिनट में खाली कर रहा है और दूसरी टंकी कितने में खाली कर रहा है, 12 मिनट में, क्लियर है ना, तो दोनों का एलसीएम कितना हो गया, 24 एलसीएम हो गया, 8 से 3 बार करेंगे तो 3, ठीक है,
और 12 का 24 भाग देंगे तो कितना आएगा, 2। यानी कि कुल मिला के अगर मैं कहूँ कि दोनों टंकी एक साथ में कितनी देर में खाली हो जाएंगी, 5 में, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 5। और मैंने कहा टंकी पूरी खाली, टंकी कितने लीटर की थी, 24 लीटर की, 24 को 5 से भाग लगाएंगे तो यही आपका आंसर आ गया, कितना, 24/5। ठीक है, क्लियर है ना। जैसे कि मान लो मैंने बताया था कि पहली टंकी जो होती है वो 8 मिनट में खाली कर रही है, दूसरी टंकी जो है वो 12 मिनट में खाली कर रही है। टोटल मैं मानूं कि टंकी टोटल कितनी, उसकी कितने लीटर पानी की टंकी थी, तो मैं इन दोनों का एलसीएम ले लूँगा, कितना आया, 24। ठीक है, तो 8, एक घंटे में 8 लीटर खाली कर रही है, तो 24 टंकी भरी हुई है वो कितनी देर में खाली कर देगी, आप कहोगे 3 घंटे में खाली कर देगी। अगर एक टंकी एक घंटे में 12 लीटर खाली कर रही है तो 24 लीटर को कितना टाइम लग जाएगा, 2 लीटर। अगर दोनों की बात करूँ मैं तो कितना हो गया, 5, और यही आपका आंसर हो गया, 24/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्वेश्चन है आप सभी का कि एक आदमी एक जहाज़ के मॉडल को 7 दिन में बनाते हैं, ठीक है, 18 आदमी हैं, एक जहाज़ के कोई मॉडल दिया गया था उनको काम, वो 7 दिनों में बनाते हैं, तो बताइए 15 आदमी इसे कितने दिनों में बनाएंगे, बताइए। देखिए 18 आदमी हैं, क्लियर है, 18 आदमी एक मॉडल को 7 दिनों में बनाते हैं, तो 15 आदमी इस मॉडल को कितने दिन में बनाएंगे, सिंपल से आपका ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा, अपॉन 15, क्लियर है, ये 15 यहाँ से हट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स की वैल्यू आ गई आपकी कितनी, ये था 18 मल्टीप्लाई 7 इज़ टू 15 मल्टीप्लाई एक्स, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आप काटोगे तो एक्स की वैल्यू होगी 8.4, यही आपका क्या था, राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कैसे, देखो इसमें फॉर्मूला होता है एम, मैं वैसे आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं रटवाऊंगा क्योंकि मैंने अभी तक कोई फॉर्मूला रटवाया नहीं है, अभी तक जितने भी मैंने आज क्वेश्चन कराए इस बिल लिस्ट में आपकी चेक कीजिए, एक भी फॉर्मूला नहीं बताया मैंने, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि 18, एक वैसे फॉर्मूला एक बेसिकली इसका होता है एम डी एच, जो एम डी एच वाले ताऊ जी है ना, वही मान लो एम डी एच, यानी कि ठीक है एम डी एच होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। तो 18 आदमी 7 दिनों में कोई काम को पूरा करते हैं, तो 15 आदमी किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, मान लो एक्स दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ से आपको काटोगे तो कितना आएगा, 8.4, जो कि आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, एक समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक बाह्य कोण 110 अंश है, ठीक है, तो इसके भुजाओं की संख्या क्या होगी। देखिए बाह्य कोण कितना होता है, मान लो ये है आपका एक ट्रायंगल, ठीक है, आप जानते हैं कोण के चार तीनों किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180, ठीक है। तो एक बाह्य कोण यानी कि ये जो ऊपर का कोण है ये, ठीक है, ये कितना होगा, देखिए ये वाले कोण जो है बाह्य कोण, ये इसका कितना मान होगा। अगर आप ये तो जानते हैं ना कि किसी वृत्त के वृत्त का कितने डिग्री का कोण होता है, 360 का, ठीक है, तो बाह्य कोण का जो मान होता है वो 360 का होता है, ठीक है। सिंपल आपको ये दे रखा होगा कि ये क्वेश्चन आपके बहुत सारे ऐसे, यही क्वांटिटी बस चेंज कर दी है, क्वेश्चन ऐसे काफ़ी सारे पूछे गए हैं, 360 अपॉन में सीधे सीधे बाह्य कोण को मान निकालना हो, यही आपको क्या हो गई, भुजाओं की संख्या हो गई, ठीक है, तो कितना आ गया, 36,000 राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, प्रसाद क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा और 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए समान दूरियां तय करता है, कुल 55 मिनट का समय लेता है, उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए प्रसाद जो है कोई लड़का है, वो क्या कर रहा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल के वो समान दूरियां तय करता है, यानी कि एक ही दूरियों को बार बार तय कर रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, तो और उसे टोटल समय कितना लगता है, अगर मैं बात करूँ तो उसे 55 मिनट का समय लगता है, क्लियर है। देखिए क्या कह रहा है, वो पहले कितना कर रहा है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा की, फिर 4 से चल रहा है, फिर कितने का चल रहा है वो, फिर आपको 6 से चल रहा है, ठीक है। तो ये है, जब डिस्टेंस समान होती है, जब डिस्टेंस समान होती है तो चाल का और समय आपस में रेसिप्रोकल होते हैं, यानी कि समान पाते होते हैं, ठीक है। तो
कितना एलसीएम उसका आएगा, एलसीएम मैं निकालूँ, मैंने मान लो टोटल दूरी मान ली आपकी 12 है, एलसीएम ले लो ठीक है, तो 2 से 12 में भाग के हैं तो कितने बार, 6 और 4 का 12 में देंगे तो 3 और 6 का 12 में 2, यानी कि मैं मानता हूँ कि मान लो कि 2 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है वो, और 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 6 मिनट का समय लगेगा, ऐसे ही 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 12 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे 3 घंटे का समय लगेगा, ऐसे 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में 12 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे 2 घंटा समय लगेगा, टोटल टाइम मुझे कितना लगा, 11 घंटे। पर मुझे 11 घंटे तो दे नहीं रखा है क्योंकि मुझे ऑप्शन में दे रखा था 11 की वैल्यू 55 है, तो 11 की वैल्यू कितनी होगी, 55, और टोटल दूरी मैंने कितनी मानी थी, 12, जो कि इन तीनों का क्या था, एलसीएम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो ये भी मुझे 11 12 जो दूरी है ये भी मुझे कितनी मल्टीप्लाई 5 से होगा ना, क्योंकि 5 5 गुना ही तो है ये, क्लियर है, तो ये भी मल्टीप्लाई 500 का, तो मैं क्या करता हूँ 11 किलोमीटर जो 11 को टाइम लगा था मुझे 11 घंटे, उनको मिनट में चेंज कर दूँ, कर दिया मैंने मिनट में चेंज, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 55। ठीक है, अगर मैं 1 की वैल्यू निकालूँ तो क्या आ जाएगा, 11 मल्टीप्लाई 60 हो जाएगा 1 की वैल्यू, क्लियर है, और मुझे कितनी निकालनी थी, 12 किलोमीटर की जो कि मैंने दूरी मानी थी, ठीक है, इससे ये कट जाएगी 5 बार, और 11 5 55 से 5 बार यानी कि 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की वो दूरी थी। क्लियर आया, सिंपल है, तीनों का जो भी दूरी दे रखी होगी ये मुझे, तीनों का मैं एलसीएम लूँगा, एलसीएम को इसके बराबर करूँगा, जो टाइम निकल के आया उस टाइम को इसके बराबर करूँगा, और जो मैंने तीनों की जो एलसीएम की जो मैंने दूरी मानी थी ना 12 किलोमीटर, उसका जितने मल्टीप्लाई ये होगा उसके मल्टीप्लाई में ये कर देंगे, आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी का है, किसी लंबवतीय बेलन की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर और आयतन घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, यानी कि मुझे सिंपल मुझे बेलन का आयतन ज्ञात करना है, बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है हमारा 2πRh, क्लियर है, 2 × 22/7 पाई का मान होता है, आर बराबर क्वेश्चन में 2 दे रखा है, एच हमें दूरी भी 2 दे रखी है, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपलेस्ट तो कितना आएगा, हमारा आएगा 176 176/7 16 16, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है। क्लियर, तो ये थे आपके आज के क्वेश्चन, अगर ठीक है, तो प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, मैं जानता हूँ 1 2 क्वेश्चन इसमें कुछ अच्छे लेवल के थे, थोड़ा टफ लेवल के थे, पर कोई नहीं, बहुत ज़्यादा मैंने आपको जितने सिंपल तरीके से हो उतने सिंपल तरीके से मैंने आपको क्वेश्चन बताने की कोशिश की है, तो आपसे यही अनुरोध है कि अपने एग्जाम विद्यालय को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा कि यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो यहाँ पर सीरीज चल रही है। ठीक है, और अभी आप अगर चैनल से नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और लाइक करके, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हैव ए नाइस डे।